दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है जब आप किसी लड़की को देखते हो और आपको वो लड़की पसंद आ जाती है, आपको उस लड़की के ऊपर क्रश हो जाता है। फिर आप जाते हो घर और उस लड़की के बारे में सोचने लगते हो कि यार काश वो उस लड़की से बात हो पाती, कल मैं जाऊँगा उस लड़की से बात करूँगा, मैं उस लड़की को ये बोलूँगा, फिर वो ये बोलेगी, फिर ऐसा बात होगा, फिर वैसा बात होगा, पूरी आप एक ड्रीम लाइफ क्रिएट कर लेते हो। फिर जब आप कल उसके पास जाते हो बात करने के लिए, फिर आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं उसके पास गया अप्रोच करने के लिए, पर फिर अगर उस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया तो, अगर अच्छे से बात नहीं की, अगर कुछ और हो गया तो, मतलब यार इतनी सारी चीज़ें आप हो जाती है दिमाग में, आपकी इतनी सारी चीज़ें चलने लगती है कि आप फिर जाकर के उस लड़की से बात नहीं कर पाते, उस लड़की का अप्रोच नहीं कर पाते। और भाई यार ये चीज़ ना आपके साथ हमेशा होता है, तो यार इस वाली वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी लड़की को, किसी भी अनजान लड़की को आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो ताकि आप जो है उस लड़की को इम्प्रेस कर पाओ, आप उस लड़की को पटा पाओ। तो इस वाली वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाओ। तो बढ़ते अपने पहले पॉइंट की ओर। तो भाई जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। भाई होता क्या है ना हमारे साथ, जब हम किसी भी नई लड़की को देखते हैं ना और हमें वो लड़की जब पसंद आ जाती है, फिर जब हम घर जाते हैं ना तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं कि कल जब वो लड़की मुझसे मिलेगी तो मैं ये बोलूँगा, फिर वो बोलूँगा, फिर ऐसे बात होगा, फिर वैसे बात होगा, हम दोनों जब रिलेशनशिप में आएंगे तो हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हमारा बच्चा का नाम ये होगा। मतलब यार हर से ज़्यादा चीज़ें सोच लेते हो यार, कभी भी नहीं सोचना ये चीज़, ठीक है? क्योंकि भाई देखो होता है क्या ना कि लड़की पटाना और गोवा का प्लान दोनों एक जैसा होता है। अब जितना ज़्यादा सोचोगे ना चांसेस उतना ज़्यादा है कि वो कैंसिल हो जाएगा। काफ़ी बार क्या होता है, जब आप किसी नई लड़की को देखते होगे ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होगी, और आपके दिमाग में जितनी सारी चीज़ें आती है ना कि सारी की सारी जो चीज़ें वो हर एक चीज़ आप भूल जाते हो उस टाइम जब वो लड़की आपके सामने आती है और जब आप कुछ एक्शन लेना होता है। तो इससे बढ़िया होगा कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट ही ना करो कि आप जाओगे उससे ये बात करोगे, उससे वो बात करोगे। दिमाग को एकदम खाली रखो ताकि अगर वो अचानक से आ गई ना तो आपको ना सीधा सीधा जा करके आपको बात करने में कोई भी हिचक ना हो। वरना क्या होगा कि आप जितना कुछ सोच के रखोगे ना बाद में ना फिर वही सारी चीज़ें आपको याद आएगी जिसके वजह से आप उससे जाके बात नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपको कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि उसके पास जा करके ये बोलना है, वो बोलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है। माइंड को एकदम ब्लैंक रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या सोच करके चलना है और आपको क्या करना है, ठीक है? तो भाई जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कि एज अ फ्रेंड रहो। भाई होता क्या प्रॉब्लम हमारे साथ कि हम ना उस लड़की को मन में ही अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखे होते हैं, ठीक है? इसी वजह से काफ़ी सारे लड़के क्या करते हैं, उस लड़की के पास जाते हैं और सीधा आई लव यू, मतलब यार आई लव यू ना हो गया कि गोली हो गया, सीधा दाग दिए हैं, आई लव यू, सीधा आई लव यू, आई लाइक यू वगैरह वगैरह कुछ भी बोल के सरक लेते हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, नहीं एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, ठीक है, आपको क्यों लगता है कि आप सीधा जाओगे उस लड़की को आई लव यू बोलोगे और वो लड़की एकदम एग्री हो जाएगी कि हाँ ठीक है मैं तो तुम्हारे ही प्रपोज का वेट करी थी, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही बवाल हो, ठीक है, कोई एकदम बहुत ही भयानक सा बॉलीवुड के एक्टर हो, या फिर कुछ ऐसा हो जिसका एकदम फैन फॉलोइंग भयानक हो, या तो दूसरा आपके पास एकदम अफार पैसा है, ठीक है, इतना पैसा है कि भाई जो पैसा छपाती है ना वो आपके ही घर में छपाती है कि लड़की को ना लालच आ जाएगा कि यार कितना पैसा है, वो आपको हाँ बोल देगी। दोनों कंडीशन में कुछ भी है नहीं हमारे पास, ठीक है? तो यार कभी भी ना इस तरह की चीज़ें करनी नहीं है कि उस लड़की के पास जाना और सीधा आई लव यू दाग देना है, नहीं करना है, ठीक है? उस लड़की को कभी भी ऐसा चीज़ नहीं करना है। वहाँ पर क्या करना है, एज अ फ्रेंड रहना है आपको। आप सोच के चलो कि यार बस एक फ्रेंड है और नॉर्मली सी हाय हेलो करना है, दैट्स इट। आपको बस एक मिनट का बात करना है और कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर सोचोगे ना कि पहले बार में अगर सोच के चलोगे कि नहीं यार उस लड़की के पास जाना है, घंटों घंटों बात करके आना है, नहीं होगा, ठीक है? आप जितना छोटा सोचोगे उतना बढ़िया से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे और सारा प्लान आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो भाई ये तो बात हो गई कि आपको क्या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो यार जो तुम्हारा तीसरा पॉइंट है वो है कि आस्क फॉर अ फेवर। तो भाई ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है और मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, बट फिर भी ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है ये चीज़, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लेना है कि यार बस ऐसा फ्रेंड बात करने जाना है, ठीक है? और उसको ना कोई भी एक फेवर के लिए चले जाना है। आप कुछ भी वहाँ पर जा करके कुछ भी क्वेश्चन एक पूछ सकते हो जिसको लड़की आराम से जवाब दे दे, ठीक है? एकदम सिंपल सी, अगर आपने घड़ी पहनी हुई है नहीं पहनी हुई डजंट मैटर, जाकर के सीधा एक टाइम पूछ लो, लड़की को समझ में आ जाता है, लड़की बहुत तेज होती है, उसको समझ में आ जाता है कि ये ना सामने से बंदा अप्रोच करने आ रहा है, ठीक है? और कसम से लड़की को ना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो लड़की अगर बढ़िया से इंटरेस्टेड होगी आप में बात करने के लिए तो आपको टाइम भी बताएगी
और धीरे धीरे अपने बारे में भी बताने लगेगी। ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और उसके बाद ना, जब आप ये चीज़ करके आओगे ना, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ करके आ जाओगे, वापस आ जाओगे, तो आपको ना दिल में सुकून मिलेगा कि चलो यार, उस लड़की के पास जाकर के कुछ बात तो किया। पर अगर आप बहुत सारा चीज़ एक्सपेक्ट करके रखोगे ना, उस लड़की के पास जाओगे, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है, तो आप घर में आकर के आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी मैया तैयार हो जाएगी, ठीक है। और भाई यार, इस पूरे प्रोसेस में ना बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यार, वो एक लौती लड़की नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी भी लड़की है जो कि आपके लिए मरी जा रही है, ठीक है। तो वो लड़की पटती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वाली देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और ये ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।